हेलो एवरीवन, चैप्टर वन था मिसलेनियस, चैप्टर वन मिसलेनियस था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। लेट ए इज इक्वल टू -1, 0, 1, 2, बी इज इक्वल टू -4, -2, 0, 2 एंड एफ तमा जी, मतलब फंक्शन और जी, दो फंक्शन है हमारे पास। एफ तमा जी बिलोंग्स टू ए तमा, ए बिलोंग्स टू बी, फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस एस, वेयर एस बिलोंग्स टू ए, जी ऑफ एस इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ एस -1/2 -1, वेयर एस बिलोंग्स टू ए। हमें प्रूफ क्या करना है, एफ एंड जी जो है वो इक्वल है या नहीं। तो ये कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, अगर हम लोग एफ ऑफ माइनस वन डालें और वो हमारा जी ऑफ माइनस वन से इक्वल आ जाए, एफ ऑफ जीरो डालें और वो जी ऑफ जीरो से इक्वल आ जाए, अगर एफ ऑफ वन डालें वो जी ऑफ वन से इक्वल हो जाए, एफ ऑफ टू डालें अगर वो हमारा जी ऑफ टू से इक्वल हो जाए, तो हम लोग बोल रहे थे फंक्शन, दोनों फंक्शन हमारा इक्वल है। ठीक है, तो अभी जो मैंने बोला वो अब हम लोग करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ एस क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एस दिया है एस स्क्वायर माइनस एस, और जी ऑफ एस हमारे पास दिया है 2 ऑफ मॉड ऑफ एस -1/2 -1, ये दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -1 डालेंगे, एस इज इक्वल टू -1 हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एस इज इक्वल टू -1 डाल देते हैं। तो एस इज इक्वल टू -1 हम लोग डाल रहे हैं, तो ये पहले एफ ऑफ एस में डालते हैं, तो एफ ऑफ -1 हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 था स्क्वायर -1, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 1 -1 +1 ये आ गया 2। अब जी ऑफ -1 हम लोग डालेंगे, तो 2 ऑफ मॉड ऑफ -1 -1/2 -1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ऑफ मॉड ऑफ -3/2 मॉड -1, 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ मतलब मॉड हटा देंगे तो -3 है तो वो +3 हो जाएगा, +3 -1, तो ये भी आ गया 2। तो दोनों सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं एफ ऑफ -1 इक्वल टू जी ऑफ -1 हमारे पास आ गया। अब ये तो हुआ कि हमारे पास ये हमने सिर्फ इस तेले चेक किया, अभी 0 तेल चेक करेंगे, फिर 1 तेले, फिर 2 तेले, अगर सब तेले सेम आ जाए तभी हम बोलेंगे दोनों फंक्शन सेम है, वरना सेम नहीं है। तो अब हम लोग तेले चेक करेंगे 0 तेले, तो एस इज इक्वल टू 0 डाल रहे हैं, तो जब एस इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो एफ ऑफ 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 हमारे पास 0 -0, 0 ही हो गया, और जी ऑफ 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मॉड ऑफ 0 -1/2 -1, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 देखिए 2 ऑफ मॉड ऑफ -1/2 -1, 2 कैंसिल हो गया, तो -1 मॉड से हट जाएगा तो +1 आएगा, -1 ये हमारे पास 0 आ गया, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू जी ऑफ 0 हो गया। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं, तो दिक्कत है तो कन्फ्यूजन है, दिख रहा है आप तो। ठीक है, अब हम लोग एस इज इक्वल टू हम लोग डालते हैं +1, जब +1 डालेंगे तो एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 था स्क्वायर -1, तो ये हमारे पास 0 आ गया, और जी ऑफ 1 हम लोग जब रखेंगे तो 2 ऑफ मॉड ऑफ 1 -1/2 -1, तो 2 ऑफ हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 2 -1/2 -1, सॉल्व करें 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आएगा 1 -1, ये भी 0, ये भी 0, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू भी जी ऑफ 1 आ गया। ठीक है, और एफ ऑफ 0 इक्वल टू भी जी ऑफ 0 आ गया था, बस अभी तो और बचा है एस इक्वल टू 2, एस इक्वल टू 2 हम लोग भी डालते देख लेते हैं। तो जब हम लोग एफ ऑफ 2 डालेंगे तो एफ ऑफ 2 क्या आएगा, 2 स्क्वायर -2, मतलब हमारे पास आ जाएगा 2, और जी ऑफ 2 हम लोग डालेंगे तो 2 ऑफ मॉड ऑफ 2 -1/2 -1, तो 2 ऑफ मॉड ऑफ 3/2 -1, 2 कैंसिल हो गया, तो 3 -1 हमारे पास 2 आ गया, दोनों सेम है, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू जी ऑफ 2 भी आ गया। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन एफ एंड जी आर इक्वल, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, अगर आप देखिए स्टार्टिंग से आप देख लीजिए, कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं दोबारा बना दूँगा, स्टार्टिंग से आप देखिए, कंप्लीट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बस आप तो पुट करना था, सारा वैल्यू हमने देख लिया, सब पे ही हमारा दोनों फंक्शन है वो सेम आ गया, देख रहे हैं, तो भी दिक्कत, तो भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप तो। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख रहे हैं, लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेन इन 1, 2, 1, 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट टैंजेंटिव। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना चाहिए पर टैंजेंटिव नहीं होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, मान लीजिए यही 3 नंबर से हमें बनाना है, 1, 2, 3 से ही बनाना है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास क्या होता, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, तो रिलेशन देखते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब 1, 1 दो बार हो गया, 2, 2 दो बार हो गया, और 3, 3 दो बार हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव तो हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, तो पहले तो हमें ये दो डिवन है, तो ये दो हम लिख लेते हैं 1/2
1, 1.2 और 1.3 ये दोनों डिवीजन है, ठीक है। तो ये भी हमने लिख लिया। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, ये मतलब सीधा हो गया, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए क्या, अगर 1.2 है तो 2.1 होना चाहिए, और 1.3 है तो 3.1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। तो जितना तो कन्फ्यूजन, अब बोला है ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग मान लीजिए ये दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, तो 1.2 है और 3.1 है, देखिए दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रांजिटिव क्या, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अगर वही इस तरह पे होता 1.2 और 2.3 तो दोनों सेम है तो हम लोग बोल देते थे ट्रांजिटिव है, 1.3 ट्रांजिटिव है, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा रिलेशन है, ये कम्प्लीट हमारा रिलेशन है, ये जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, पर ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा ये। तो इतना था, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कम्प्लीट, ठीक है। अब जैसा थे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखा, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 17 भी है। लेट ए इक्वल टू 1.2.3, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1.2, 1.2 हमें लेना ही लेना है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। रिलेशन बनाना है तो सबसे पहले हमारे पास रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, सेम ही नंबर रिपीट करें, मतलब 1.1, 2.2, 3.3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव। अब हमारे पास क्या आएगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक से पहले हम लोग तो ये डिवीजन है तो ये हमें लेना ही लेना है, तो ये हमने ले लिया, ठीक है। अब हमें सिमेट्रिक लेते होना चाहिए, 1.2 दिया है तो हमारे पास 2.1 तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो जितना तो कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्या लें दे, ऐसा तो वैल्यू लें दे जिसका हमारे पास ट्रांजिटिव भी हमारे पास हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए। तो हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए आप हमने ले लिया तो हमारे पास यही तीन से बनाना है, तो हम लोग 3.2 ले लेते हैं, तो हमें 2.3 भी लेना पड़ेगा। अब ये देखिए 1.2 और 2.3 दोनों का लास्ट वैल्यू सेम है, 1.2 और 2.3 दोनों का लास्ट सेम है, तो इससे हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 1.3, ठीक है। ट्रांजिटिव थे 1.2 और 2.3 दोनों का लास्ट सेम था, तो इससे हमारे पास 1.3 हो गया। अब 1.3 ले रहे हैं तो 3.1 भी लेना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया, सिमेट्रिसिटी भी हो गया, ट्रांजिटिविटी भी हो गया, ठीक है। हमारा ट्रांजिटिव है। आप तो भी वैल्यू लेते चेक कर सकते हैं, तो भी दो वैल्यू लीजिए और आप चेक कर लीजिए, ठीक है। हम जूता दो सेम हो, जैसे थे हमने ये दो लिया, ठीक है। तो 1.2 और 2.3 तो हमारे पास आया 1.3, इसका ट्रांजिटिव भी है, 3.1 भी, अपोजिट भी हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये पूरा टोटल रिलेशन हुआ, ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिसिटी और ये ट्रांजिटिविटी भी है। अब देख ले हैं टोटल हमारे पास ये तीन, फिर 3, 6 और 3, 9 हमारे पास पैटर्न बना, ठीक है। तो ये तक